हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छी वैकेंसीज हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो फोर्टी टू टू सिक्सटी सेवन ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी मच अवेटेड वैकेंसी थी तो यहां पर कंप्लीट डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में भी पोस्ट करूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा तो उस नोटिफिकेशन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा पहले अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए दो अगस्त 2024 को ये नोटिफिकेशन यहाँ पर पब्लिश हुआ है एच की वेबसाइट पर अब यहाँ पर ये जो वैकेंसी है उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होंगे वो सात अगस्त 2024 से होंगे और इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 27 अगस्त 2024 तो अगर आप एलिजिबल हैं तो जैसे ही इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होते हैं आप ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा अब जब आप ये नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो पहले पेज में आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको जरूर फॉलो करने हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं अब यहाँ पर कई सारी सब्जेक्ट में वैकेंसी है हम यहां पर स्पेसिफिकली बात करेंगे केमिस्ट्री की तो टोटल यहां पर जो वैकेंसी केमिस्ट्री में आ रही है वो है वन वैकेंसी तो काफी अच्छी ये वैकेंसीज है और यहां पर एक बात और क्लियर कर दू कि आप चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं अगर आपके पास सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे यहां पर जो 123 वैकेंसीज हैं उसका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि क्या क्वालिफिकेशन इस वैकेंसी के लिए जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की है उसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी तो सबसे पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन में तीन पॉइंट हैं उन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से समझ लेना है तीनों पॉइंट में जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आपके पास है तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे सबसे पहला पॉइंट है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एमएससी केमिस्ट्री अब यहाँ पर आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं कंसर्न सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की तो यहां पर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए विथ फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स या फिर जहां पर भी सी uh, जी का स्केल चलता है तो इक्विवेलेंट स्केल पर आपका जो मार्क्स है वो होने चाहिए तो परसेंटेज में अगर हम बात करें तो मिनिमम 55 परसेंट मार्क्स आपका किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे अब यहाँ पर इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी से है तब भी आप एलिजिबल हैं लेकिन साथ में दो और पॉइंट हैं वो भी क्राइटेरिया आपको फुलफिल होना चाहिए एक यहां पर स्टार्टिंग में आपने देखा होगा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है जिसकी डिटेल में हम चर्चा आगे हम करेंगे सेकेंड यहां पर हिंदी और संस्कृत का नॉलेज आपको जरूरी है अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और इन द हायर एजुकेशन तो हिंदी और संस्कृत अगर आपने मैट्रिक स्टैंडर्ड में या फिर हायर एजुकेशन में पढ़ा है तो आपको यहां पर इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपको हिंदी और संस्कृत का नॉलेज जरूरी है साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आपके पास सी एस आई आर या यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि केमिस्ट्री में केमिकल साइंस में ये एग्जाम होता है सी एस आई आर नेट का एग्जाम होता है वो आपके पास होना चाहिए अगर आपके पास वो नहीं है तो यूजीसी रिक्नाइज जो स्लेट और सेट का एग्जाम है उनमें से कोई भी एक एग्जाम एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए या फिर अगर आपके पास ना तो सी एस आई आर नेट है ना स्लेट है ना सेट है तो भी आप इस वैकेंसी में एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपने पी एच डी किया है तो पी एच डी के लिए यहां पर एक कंडीशन लिखी है कि those who have been awarded a Ph.D. degree in accordance with the UGC minimum standard and procedure for award of MPhil or Ph.D. degree regulation 2009 or 2016 and their amendment from time to time are exempted from NET, देयर or SET. आर एग्जेप्टेड फ्रॉम नेट स्लेट और सेट तो आपने अगर पी एच डी किया है रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी से तो आप इस वैकेंसी में बिना नेट स्लेट या सेट के भी एलिजिबल होंगे पी एच डी के लिए भी कुछ कंडीशन यहां पर मैंशनड है वो आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा अब यहां पर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कि फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है तो देखिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी की है तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो 500 जो टॉप 500 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में आती है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे जैसा कि आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अब यहां पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको आई थिंक आप समझ चुके होंगे तीन जो क्राइटेरिया है पहली है मास्टर डिग्री विद मिनिम फिफ्टी फाइव परसेंट मार्क्स एकेडमिक रिकॉर्ड सेकंड है नॉलेज ऑफ हिंदी और 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 संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड इन द हायर एजुकेशन थर्ड है आपके पास सी एस आई नेट स्लेट या सेट में से कोई एग्जाम आपका क्वालिफाई हो या फिर आपने पी किया हो अब यहां पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है उसको भी डिफाइन किया गया है तो यहाँ पर आप जो ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के लिए कुछ कंडीशन हैं जिनको आप इस नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा बहुत ही ईजिली आप इस जो क्राइटेरिया है उनको समझ पाएंगे तो उसके बाद आपको आगे फर्दर देखना है कि मैं एलिजिबल हूं या फिर नहीं हूं सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर डिस्कस करेंगे हम पैटर्न ऑफ एग्जाम के बारे में अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपको पैटर्न ऑफ एग्जाम समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब यहां पर तीन चरणों में ये एग्जाम होगा पहले आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके बाद जो है वो आपका एक सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा सबसे पहले अगर हम बात करें स्क्रीनिंग टेस्ट की तो देखिए टोटल हंड्रेड यहां पर आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो टू आवर्स होगी टोटल मार्क्स कितने होंगे हंड्रेड तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ हंड्रेड मार्क्स का और केमिस्ट्री से अगर आप ये जब एग्जाम देंगे अगर आप केमिस्ट्री से ही अप्लाई कर रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा ये आपको बात ध्यान में रखनी है और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो वन बाय फोर्थ नेगेटिव मार्किंग होगी तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो होगा उसमें जितने भी आप मार्क्स स्कोर करते हो वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किए जाएंगे लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो कैंडिडेट अच्छा परफॉर्म करेंगे उसी को आगे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए सेलेक्ट किया जाएगा तो यहां पर स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसमें मिनिमम आपको ट्वेंटी मार्क्स तो लाने ही हैं तभी आप कंसिडर किए जाएंगे उसके बाद जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे यहां पर अगर हम बात करें कि केमिस्ट्री में जो वैकेंसी है वो वन है तो चार गुना जो कैंडिडेट होंगे यहां पर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा यहां पर जो टेस्ट होगा वो थ्री ड्यूरेशन का होगा 150 मार्क्स का यहां पर टेस्ट होगा और एज यूजुअल जैसा कि मैंने पहले भी बताया था केमिस्ट्री से अगर आप फिल कर रहे हैं तो इंग्लिश में ही आपका ये एग्जाम होगा यहां पर जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा उसके बाद जो कैंडिडेट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट के मार्क्स यहाँ पर कंसीडर नहीं किए जाते हैं सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होगा उसका वेटेज आपका 87.5 परसेंट होगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के लिए जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वो कैंडिडेट क्या होंगे टू टाइम्स दैट मीन्स यहाँ पर जितनी वैकेंसीज हैं उनका लगभग टू टाइम्स जो कैंडिडेट है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लगभग लगभग ढाई सौ कैंडिडेट जो होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कंसीडर किया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा इंटरव्यू में ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का वेटेज है और फिर इंटरव्यू होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जिसमें कि सब्जेक्ट नॉलेज प्लस इंटरव्यू दोनों के आधार पर बनेगी सब्जेक्ट नॉलेज एट्टी सेवन पॉइंट फाइव परसेंट कंसिडर किया जाएगा और जो इंटरव्यू है उसका वेटेज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट होगा तो ये आपका यहां पर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है अब बात करें अगर हम एज लिमिट की तो देखिए एज लिमिट जो है वो नॉट लेस देन ट्वेंटी ईयर एंड नॉट मोर देन फोर्टी टू ईयर एज ऑन पंद्रह जुलाई दो हजार चौबीस तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि 15 जुलाई 2024 जो है वो एसेंशियल डेट है डेट का जो क्राइटेरिया होता है एज का डिटरमाइन करने के लिए तो आपकी एज जो है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अब यहां पर एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपके पास सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 27 अगस्त 2024 तक आपकी सारी एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं दैट मीन्स आप हरियाणा के बाहर दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आपको रिजर्वेशन जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से कंसिडर किया जाएगा अब यहां पर अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो देखिए एप्लीकेशन फीस जो है वो मेल कैंडिडेट जो हैं वो यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं मेल कैंडिडेट या जो बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट हैं क्रिमिलियर में तो उनके लिए जो फीस रहेगी यहां पर वो थाउजेंड रुपीज़ होगी मेल कैंडिडेट अदर स्टेट के जो हैं उनके लिए भी थाउजेंड रुपीज़ होगी और फीमेल जो कैंडिडेट हैं चाहे वो हरियाणा की हो या बाहर की हो उनके लिए फीस यहां पर टू फिफ्टी रुपीज़ होगी और किस किस कैटेगरी में कितनी फीस है वो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं और नोटिफिकेशन में पढ़ के आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो यहां पर अपने हमने इस जो नोटिफिकेशन है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कैप्चर कर लिया है लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं तो फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि एक बार पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से आप अगेन पढ़िएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे उन सब की पूरी इंफॉर्मेशन लेकर उसके बाद जैसे ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है सात अगस्त 2024 को आप जितना जल्दी हो सके उतना अप्लाई कर दीजिएगा साथ ही केमिस्ट्री में लगातार वैकेंसीज आ रही हैं आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट रखिए क्योंकि एक बार जब आपका सब्जेक्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा केमिस्ट्री पर आपकी जो पकड़ है वो स्ट्रांग हो जाएगी तो उसके बाद एम लेवल पर जितने भी एग्जाम आ रहे हैं आप उन सभी में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे और आपके एग्जाम भी क्वालिफाई होंगे तो आप सभी को ऑल द बेस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो